पार्ट ऑफ रिजर्व बैंक। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम कल माननीय बीजेपी के जो ओपनिंग बुला रहे थे, स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनसे पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो लोन लेने से डरते हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री साहब बैठे हैं कि वो कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनसे लोन लेने से डरती हैं पब्लिक सेक्टर की बैंक्स। और एक तरफ तो इतने बड़े बड़े लोन हैं जिनसे बैंक डर रहे हैं कि इनसे लोन कैसे रिकवर करें, दूसरी तरफ अगर किसान का, किसी छोटे मजदूर का, दुकानदार का कोई 50,000-80,000 का लोन ना वापस आए तो बैंक जो है अपनी बिल्डिंग में उनके फोटो लगाने लगे हैं, उनको सोशली तौर पर बदनाम किया जा रहा है। मैडम एक तरफ बड़े बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ का जो कर्जा है, लोन है, वो मुकर गए हैं और वो विदेशों में कर्जा मुक्त और चिंता मुक्त बैठे हैं। और जब किसानों के कर्जे को मुक्त करने की बात आती है तो इसको पॉपुलिज्म का नाम दे दिया जाता है। दूसरी तरफ मैडम जो एनपीए है, 88% एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। प्राइवेट बैंक्स तो अपनी प्रॉपर गारंटी लेके लिए बिना वो लोन नहीं देते। तो मैडम मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में ये लाना चाहता हूं, जो चिटफंड कंपनियां हैं, करोड़ों करोड़ों लोग उससे पीड़ित हैं, जिसमें पर्ल है, इसमें एचबीएन है, इसमें क्राउन है, बहुत चिटफंड कंपनियां, उनकी एसेट्स जो हैं वो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। बड़ी बड़ी उनकी बिल्डिंगें, बहुत बड़ी जमीन, कॉलेज पड़े हैं उन। अगर किसी चिटफंड कंपनी के निर्माता को या उसके मैनेजर को पकड़ लिया जाता है, जेल भी भेज दिया जाता है, उसका जो उससे पीड़ित हैं, जिनके पैसे डूब गए मैडम, उनको क्या फायदा हुआ उसका? उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त करके, उसको बेच के, उसको जो उनके धारक हैं उनको ब्याज समेत पैसे वापस करने चाहिए। तो मैडम ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत लोग इससे प्रभावित है, पूरे देश में, किसी राज्य का नहीं है मामला ये। और मैडम नोटबंदी के बाद आरबीआई तो अभी नोट नहीं गिन पाया है, इसलिए आरबीआई पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी देने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी 35 में है। तो मैं मांग करूंगा लास्ट में मैडम, मैं मांग करूंगा कि जो वित्त मंत्री साहब ये बिल लेके आए हैं, वैसे तो जरूरत नहीं थी, पहले ही ये मौजूद था ये कानून, लेकिन अगर संशोधन भी करना है उसमें बैंकों को ये सख्ती से लागू करवाया जाए कि जो बड़े बड़े उद्योग घराने हैं उनसे कर्जा लेकर जो आम लोग हैं उनका जो चिटफंड कंपनियों में पैसा दबा हुआ है वो उनको पैसा वापस दिलवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आपने कहा पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों है, ये बहुत अच्छा सवाल था। आज भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सरकार के कई सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लेंडिंग में पब्लिक सेक्टर बैंक काफी आगे है। कई अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं देश में, उनका लोन पोर्टफोलियो एक सेफर लोन पोर्टफोलियो है, हाउसिंग लोन, कार लोन, जहां वसूली एक एसेट के अगेंस्ट होती है और वो सरल होती है, और इसलिए रिटेल, जिसको रिटेल बैंकिंग कहते हैं, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेंडिंग, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इस देश के उद्योगीकरण को खूब सपोर्ट किया है, और उसमें एक रिस्क है, उस फाइनेंसिंग में रिस्क है, इसलिए पब्लिक सेक्टर का पैसा इसमें ज्यादा है। कुछ प्राइवेट सेक्टर की, चिटफंड कंपनी का विषय अलग है, चिटफंड कंपनी में कोई 1-8% ब्याज ज्यादा मिल जाएगा, और इसलिए उस आकर्षण के आधार पर वो लोगों को परसुएड करते हैं कि आप बैंकिंग व्यवस्था में ना जाकर हमारे पास आइए। आज भी मैं कहूं, आज भी अन्य सेफर ऑप्शंस हैं। एक स्टेज जब था कि जब इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति 10% के करीब थी, तो आपको बैंक के फिक्स डिपॉजिट पे 9% मिल जाता था,
पर आप उधार लेने जाते थे तो 14% और 15% पे मिलता था। घर बनाना है तो इतना महंगा उद्योग, अगर आप 15% और 16% पे ब्याज लेकर उद्योग लगाने की कोशिश करोगे तो आप विदेशी कंपनियों से बाहर के देश को उससे कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को एफिशिएंट बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स रीजनेबल होंगे। जब बैंक को डिपॉजिट रेट और लेंडिंग रेट दोनों स्वाभाविक कम होंगे, इसलिए पूरे विश्व में यह व्यवस्था बनी है कि पेंशन फंड्स, अन्य ऐसे फंड्स बैंक्स व्यवस्था में, अन्य इंस्टीट्यूशंस के जो अवेलेबल होते हैं, जहां जो लोग सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उनको अन्य बनता है। तो इतना हो, जो फ्रॉड ये चिट फंड कंपनीज कर रही हैं उसमें पुरानी कंपनियों के संबंध में सेबी कार्रवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर ओवरसाइट कमेटी बनाई हुई है, जिनका नाम आपने लिया उन पर भी बनी हुई है, और हम लोग एक ड्राफ्ट लॉ हम लोगों ने बनाया है कि जिन चिटफंड कंपनियों की एक्टिविटी अब बंगाल में है या उड़ीसा में है तो वो तो केवल अपने राज्य के लिए बना सकते हैं, पंजाब अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है। व्हाट डू यू डू विद रिगार्ड टू दोज हु हैव अ मल्टी स्टेट ऑल इंडिया ऑपरेशन, तो उसके लिए एक सेंट्रल लॉ हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं और बहुत शीघ्र ही आपके सामने वो चर्चा के लिए भी आएगा। थैंक यू अधीर रंजन जी।